सो हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट रजीश। तो आज के एपिसोड होगा 19th नंबर डेली टेक अपडेट्स का एपिसोड। सो विदाउट फर्दर फिक्सिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आप सोच रहे हैं आज भी मैं कोई वीडियो एडिट नहीं कर रहा, जस्ट बिकॉज अब आपका अभी आर ऑफ क्रिएटर डे इवेंट से यूट्यूब का एक क्रिएटर कनेक्ट इवेंट हो रहा था कोलकाता में। सो मैं वहीं से आ रहा हूँ, थोड़ा लेट हुआ मेरे को आने में और बस 10:45 में आसपास मैं घर पे पहुंचा। वहीं से अभी आपका 11 बजे ये वीडियो अभी स्टार्ट हो रहा है। सो विदाउट फर्दर फिक्सिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको जो पहला न्यूज आ रहा है वो आ रहा है Zen स्मार्टफोन कंपनी की तरफ से। बेसिकली आपका एक नया बजट ओरिएंटेड डिवाइस है Zen की तरफ से। इस जो बोल सकते हैं मोबाइल है उसका नाम है Zen Admire Sense। ये बेसिकली एक 4G VoLTE सपोर्टेड स्मार्टफोन होगा। इसका जो प्राइसिंग सेट हुआ है वो सिमिलरली आपका 4A के जैसा मिलता जुलता है, एज बिकॉज आपका 6,000 रुपीज आपको देना पड़ेगा, 5999 टू बी प्रिसाइज। आपको जहाँ पे कुछ मेजर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा वो है 5 इंच का आपको देखने को मिलेगा डिस्प्ले, एंड्रॉइड 6.0 का ऑपरेटिंग सिस्टम, 1GB का रैम, 8GB का इंटरनल स्टोरेज, 5MP का रियर कैमरा एंड ऑल्सो 5MP का फ्रंट कैमरा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नॉर्मल सा 2300mAh का बैटरी। तो बस वही है उसका कुछ Zen Admire की तरफ से अपडेट। इसका आपका एक और अपडेट आ रहा है ओप्पो R11 और R11 प्लस की तरफ से। बेसिकली ओप्पो R11 और R11 प्लस बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है इंडिया में। इसका जो प्राइसिंग अप्रोक्सीमेट किया जा रहा है वो आ रहा है 20,000 रुपीज से ऊपर। और आपको कुछ जो बोल सकते हैं रूमर्ड स्पेसिफिकेशन से मैं अभी आपको डिक्लेयर नहीं करूंगा, एज बिकॉज मेरे ख्याल से वो चेंज हो सकता है। और बस आपका जून 10 तक में आपका ये लॉन्च होगा। और यहाँ पे एक और अपडेट आ रहा है ट्विटर की तरफ से। बेसिकली ट्विटर आपका एक नया अपडेट लेके आया है। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो भी लेटेस्ट इमोजीज आपको एंड्रॉइड 7.0 या फिर उससे ऊपर को देखने को मिलता था, अब वही सेम आपको ट्विटर में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका एक और अपडेट आ रहा है सोनी की तरफ से। बेसिकली सोनी आपका वीडियो कैमराज में और बात करते हैं जो भी बोल सकते हैं फोटोग्राफी ये सब पे सोनी का बहुत ही अच्छा नाम था। सोनी ब्रेविया आपका टीवी में भी बहुत अच्छा क्वालिटी देता है। बट वाइल आज का जो टॉपिक है वो आ रहा है आपका सोनी वीडियो कैमरा की तरफ से। बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं जब वीडियो कैमराज में आपको एक बेटर SSD होना चाहिए जस्ट टू रेंडर द फास्ट, मतलब आप कोई भी वीडियोज रेंडर करते तो आपका फास्ट रेंडरिंग होगा SSD में। तो वही बस आपका अल्ट्रा SSD यहाँ पे निकल के आ रहा है, वो आपका बहुत फास्ट रेंडरिंग सपोर्ट करेगा वीडियो कैमराज के लिए। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा अपडेट होगा जो वीडियो रिकॉर्डर है कैमरामैन है उन सभी के लिए। तो यहाँ पे एक और अपडेट आ रहा है LG की तरफ से। बेसिकली LG V10 एक स्मार्टफोन है, उसमें आपका एंड्रॉइड 7.0 नूगट का अपडेट स्टार्ट हो चुका है। अगर आपका वो मोबाइल है आप बिल्कुल जाके सॉफ्टवेयर अपडेट में क्लिक करिए, आपका जो एंड्रॉइड 7.0 नूगट है आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपका एक और अपडेट आ रहा है ट्विटर की तरफ से। बेसिकली ट्विटर अब आपका एप्पल टीवी में, अगर आप एप्पल टीवी से ट्विटर ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको 360 डिग्रीज लाइव वीडियोज वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा सपोर्ट है ट्विटर की तरफ से। इसके अलावा आपका एक और अपडेट आ रहा है सैमसंग की तरफ से। बेसिकली सैमसंग गैलेक्सी J7 Prime और J5 Prime इन दोनों का जो डिफरेंट वेरियंट्स है ये आपका 32GB का वेरियंट में लॉन्च हो चुका है। इसका जो प्राइसिंग सेट किया गया वो है एक का 14,900 टू गेट J5 Prime और आपका 16,900 रुपये में आपको मिलेगा J7 Prime। तो अगर आप 32GB और J5 Prime लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से वो आपको बेटर डील मिलेगा। इसके अलावा एक और अपडेट आ रहा है सैमसंग की तरफ से। बेसिकली सैमसंग गैलेक्सी S8 और S8 प्लस में कुछ दिन से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इश्यू से प्रॉब्लम आ रहा था, सैमसंग ने एक नया OTA अपडेट के थ्रू उसको सॉल्व कर दिया है। और एक और अपडेट आपका आ रहा है TRAI की तरफ से। बेसिकली हम सभी लोग जानते हैं कि जब से जियो आया मार्केट में, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बहुत सारा तहलका मचा हुआ था। वोडाफोन आपका बात करते हैं जियो को, जियो एयरटेल को, इन सभी के साथ एक एक लीगल नोटिस का गेम खेल रहे थे। तो सिमिलरली जियो ने कंप्लेन किया था वोडाफोन के खिलाफ, एयरटेल के खिलाफ, आइडिया के खिलाफ। तो अब उसी इश्यूज में गवर्नमेंट बोला है, TRAI ने प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट को कि कोई एक्शन लिया जाए, उसको पेनलाइज किया जाए। ये तीन मेजर आप बोल सकते हैं टेलकॉस को, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, ये तीनों जन अब तो गए। अब इसके अलावा आपका एक और अपडेट आ रहा है फिटनेस ट्रैकर्स की तरफ से। बेसिकली एक रिसर्च कहता है कि फिटनेस ट्रैकर्स जो भी होते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होते इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज मेजरमेंट। बेसिकली अगर आप बात करते हैं हार्ट रेट सेंसर का, तो हार्ट रेट मॉनिटरिंग में फिटनेस ट्रैकर आप बोल सकते हैं 95% तक करेक्ट होते हैं, बट कैलोरी मेजरमेंट में तो उनका उतना अच्छा बोल सकते रिव्यू नहीं है। तो अब इसके अलावा आपका एक और